नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालों के लिए ऐसा रेमेडी जो कि 100% वर्क करेगा आपके बालों में। यदि आपके बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, रूसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके जो स्केल्प हैं यानी कि बालों का जो जड़ है बहुत ज़्यादा तेली तेली सा रहता है यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है, तो आज ये सारे प्रॉब्लम का ये नाश करेगा आज का जो रेमेडी है। ये आपके बालों में आप 2 से 3 बार जब आप इसको लगाएंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, बिल्कुल आपके जो बाल में बाल के जड़ में चिपके हुए रूसी हैं, रूसी की वजह से बहुत ज़्यादा खुजली होती है, छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं क्योंकि तेल के वजह से, तेलीय त्वचा में जब तेल रहता है तो उसी के वजह से खुजली और रूसी दोनों ही हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो यदि आपके ये सब समस्या है तो आज के रेमेडी आपके लिए है। सिर्फ आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है कि इसको कैसे बनाया जाएगा और इसका जो लगाने का तरीका है वो भी आपको अच्छे से समझना होगा। आज मैं बिल्कुल नया रेमेडी लेके आई हूँ। इस टाइप से आपने आज से पहले शायद ही इस्तेमाल किया होगा या सुना भी होगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एलोवेरा का बस एक टुकड़ा के जितना और इसका ऊपर वाला छिलका, एक छिलका हटा दी हूँ और एक को इसमें ही रहने देना है हमें, क्योंकि इसमें जो जेल बना हुआ है अभी उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं बना हुआ है, तो पूरा ही छिलका छील दूंगी तो सारा इसका जो जेल है वो निकल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इसको टुकड़े में कट कर लेंगे। यदि आपके पास ही ये गमला वाला एलोवेरा नहीं है तो आप चाहें तो इस टाइप का जो रेडीमेड आता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी रेमेडी लेके आऊँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अभी यहाँ पर एलोवेरा को कट करके ले ली हूँ। अब इतना एलोवेरा से तो 2 चम्मच के जितना जूस आराम से निकल ही जाएगा, तो चलिए सबसे पहले इसका जूस तैयार करते हैं। तो हमें लेना होगा छोटा वाला मिक्सर जार और इसमें डाल देंगे ये सारे टुकड़े को। यदि आप एलोवेरा का जेल इस्तेमाल कर रहे हैं रेडीमेड वाला तो आपको इसमें पीसने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, जैसे ही चलाएंगे इसका जेल जो है अच्छे से बारीक हो जाएगा और अच्छे से ये पीस भी जाएगा। दोस्तों वीडियो को कहीं से भी ज़रा सा भी भगाइएगा नहीं, पूरा ही वीडियो देखिए, नहीं तो हो सकता है कि कोई स्टेप आपसे मिस हो जाए और आपके जो ये रेमेडी बने वो कारगर ना बने। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से पीस ली हूँ और ये पीसने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है और देखिए कितना आसानी से एलोवेरा का जूस हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कोई सा भी एक बर्तन और इसमें डालेंगे छन्नी। आप चाहें तो इसको कपड़े से भी छान के अलग कर सकते हैं इसके जूस को, और अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए इसका छन्नी में से जूस को जो बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए एलोवेरा का जूस जो है हमें मिल चुका है और बहुत ही आसानी से ये घर बैठे एलोवेरा जूस तैयार हो जाता है। यदि आपके पास फ्रेश वाला नहीं है तो जैसे पहले मैं बताई हूँ कि आप रेडीमेड भी जूस ले सकते हैं, तो उसका आप 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच के जितना अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें एलोवेरा का जेल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेना है हमें टमाटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि टमाटर से बालों का क्या लेना देना, इसे तो हम लोग खाना में यूज करते हैं, सलाद में यूज करते हैं। फेस पैक आपने बहुत बार टमाटर के लगाए होंगे लेकिन हेयर पैक आप लोगों ने आज से पहले शायद ही लगाया होगा। कौन कौन दोस्त हमारे पहले से जानते हैं टमाटर से बालों के लिए रेमेडी बनाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों के लिए यदि नया है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ये जो टमाटर है दोस्तों, ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत बना देगा और आपके बाल से एक एक करके डैंड्रफ गायब हो जाएंगे,
कुछ ही दिनों के इस्तेमाल में। आप लोग यकीन कीजिए हम पे, उसके बाद इसका इस्तेमाल ज़रूर से करके देखिए। किन किन लोगों को इस टमाटर लगाने से परहेज करना चाहिए, मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग पूरे ही वीडियो में बने रहें। यहाँ पर पहले टमाटर को हमें पानी में डाल के अच्छे से एक बार साफ जरूर कर लेना है। और टमाटर जितना ज़्यादा पका हुआ गला हुआ टाइप का यदि आपके पास है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा कारगर आपका जो रेमेडी है वो बन के तैयार होता है। हमारे पास अभी उतना ज़्यादा गला हुआ टाइप का टमाटर नहीं है तो मैं इससे ही आपको बता देती हूँ बना के। ये लगाने के बाद आप इसका असर देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये आपके बालों में असर अपना छोड़ेगा। एकदम से जैसे इचिंग बहुत ज़्यादा खुजली मचते रहता है, लगता नहीं कि कितना ज़्यादा जुए लिक हो गए हमारे बालों में, उसे ही खुजलाने का मन करता है हर हमेशा। ये लगाने से वो समस्या आपके ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर लेना हमें ये बारीक वाला अदरक वाला ग्रेटर, और इस पे इसको इस तरीके से पीस लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको भी मिक्सी में डाल के तो पीसा जा सकता है, तो मिक्सी में डालने से इसको जब आप पीसेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। और इस तरीके से जब आप इसको निकालेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आपको जो सुविधा बन पड़े, आपको लगे कि मिक्सी में ही इसको निकाल लिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसका जो बीज है वो भी निकल जाएगा और मिक्सी में बीज जो है उसका पिस जाता है। तो अच्छे से इसको कद्दूकस करेंगे, इस जैसे आप इसको घसते रहेंगे ना, पूरा इसका जो जूस है वो अलग हो जाता है। और ये जो छिलका इसका है इसको हम लोग हटा देंगे। देखिए बिल्कुल प्लास्टिक के जैसा इसका छिलका होता है। कोई भी आप रेमेडी बालों के लिए यदि बनाना चाहते हैं तो पूरा ही वीडियो को देख जाइएगा, छोटा सा वीडियो रहता है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत काम का वीडियो हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से इसका जूस निकल रहा है। तो चलिए सारे ही टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका लगाने का तरीका और इसमें अभी क्या मिलाएंगे। तो यहाँ पर पूरा ही टमाटर, एक टमाटर ले ली हूँ और एक टमाटर में ही इतना सारा जूस निकल चुका है। यदि आप चाहें तो दो टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप देख लें कि आपके बालों में यदि इतना से नहीं आएगा तो आप दो टमाटर भी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पिचका देंगे, देखिए। और जैसे मैं बना के आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी बनाइएगा और लगाइएगा, कुछ भी इसमें इधर उधर आपको नहीं करना है। तो अच्छे से पहले इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पीस देंगे, ऐसे इसमें कोई भी मोटा पार्ट नहीं गया है, फिर भी एक बार तसल्ली के लिए इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये टमाटर का जो पेस्ट है हमारा बहुत अच्छे से पीस के एकदम से बारीक हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर यानी कि गुलाब जल। और इसको कितना बार लगाना है, कितना समय तक रखना है, आप सारे बातों को अच्छे से पहले सुन लें, उसके बाद आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक चम्मच गुलाब जल डाल देती हूँ दोस्तों। इससे क्या होगा, ये जो टमाटर है ना इसका तासीर कैसा होता है, थोड़ा इचिंग जैसा होता है, खुजलाहट होता है इसको लगाने से। जैसे कि हम लोग फेस पैक में भी लगाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, इसको लगाने से हल्का हल्का सा आपको लगेगा ना इरिटेशन, जैसे जैसे कि हल्का हल्का सा खुजली जैसे होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा गुलाब जल डालने से इसमें ठंडक पहुंचेगा हमारे बालों में। और इसी के लिए एलोवेरा का जेल भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साड़ी को डाल लेना है हमें ये एलोवेरा वाला जेल रस में। तो सारे को इस तरीके से डाल देती हूँ, देखिए ये काफ़ी गाढ़ा है। यदि आप एलोवेरा वाला वो रेडीमेड वाला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। हमारे पास फ्रेश वाला है तो फ्रेश वाला का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और टमाटर के पेस्ट को आप चाहें तो छन्नी में छान के भी ले सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा इसमें बीज चला गया है तो आपको लगे कि यदि लगाने से हमारे बालों के अंदर जाके ये फंस जाएगा, चिपक जाएगा, तो आप इसको वापस से छन्नी में डाल के टमाटर वाले पेस्ट को और छान के ले सकते हैं। ऐसे ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, ये धुलने से धुल जाता है।
लेकिन अभी क्या करेंगे, ये लग रहा है हमें कि इसमें बहुत ज़्यादा ये है, इसका रेसा रेसा है, तो थोड़ा सा इसको छन्नी में डाल के पहले छान लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें छान लेने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छा स्मूथ सा हमारा जो है टमाटर का पेस्ट और निकल जाएगा, और ये बालों में फंसने का कोई भी उपाय नहीं रहेगा इसमें। बाकी देखिए कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा छन्नी में निकल गया है, तो थोड़ा सा आप दबाएंगे ना ऐसे, तो ये सारा ही निकल जाएगा, कुछ भी इसमें से बर्बाद नहीं जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा करके दबाएंगे ना, तो देखिए बहुत अच्छा से ये पिस जाएगा। तो चलिए सारे को छान लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से ये छन चुका है, और इसको मिक्सी में पीसने के लिए क्यों नहीं बताई, तो आपको अभी पता चल जाएगा। आप ऐसे चाहें तो मिक्सी में भी पीस के इसको छन्नी से छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप मिक्सी में इसको पीस लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, फिर आपको इसे चाहे तो कॉटन से लगाना पड़ेगा या ब्रश से लगाना पड़ेगा आपके बालों के जड़ में। और यदि इस तरीके से आप इसका पतला टोनर जैसा निकाल लेते हैं, तो आप इस टाइप का कोई भी स्प्रे वाले बोतल में इसको भर के अपने बालों के जड़ में स्प्रे खुद से भी कर सकते हैं, तो एक लगाने में आपको सुविधा होगा। इसके लिए इसको एकदम पतला सा बना के दिखाई हूँ, दो तरीके से आप सीख गए बनाना। ये किन किन लोगों को नहीं लगाना है, यदि आपके बाल जैसे कि आपके स्कैल्प में बालों के जड़ में कोई छोटे छोटे से दाने हैं, फुंसी हैं, या कोई ऐसा दिक्कत है आपके बालों के जड़ में, तो आप इसको ना लगाएं, क्योंकि ये लगाने से क्या होगा, हल्का सा जलन सा होगा आपको। तो ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों कि 20 से 25 मिनट, आप चाहें तो आधा घंटा के लिए इसे छोड़ सकते हैं। इसमें मिलाना है हमें नारियल का तेल, आधा घंटा के लिए छोड़ सकते हैं। ये लगाने के बाद हल्का हल्का सा आपको लगेगा ना कि हल्का सा इचिंग जैसा हो रहा है, तो वो टमाटर के वजह से होगा, तो इससे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आपके बालों में हल्का हल्का सा लगेगा, वही आपको जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो आपके जो स्कैल्प को है वो साफ़ कर रहा है। टमाटर के जूस को लगाने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे से रहेंगे। यदि ऑयली बाल है तो वो बिल्कुल से चिपचिपा जो रहते हैं एकदम से, वो एकदम से फ्रेश फ्रेश से रहने लगेंगे। बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से बाल रहते हैं ऑयल के वजह से, तो वो भी एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। रूखे सूखे से रहते हैं वो एकदम से चमकदार हो जाएंगे ये टमाटर के जूस से। ये किसी भी, जिनको उरूसी का प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो किसी भी उम्र के हैं, ये लगा सकते हैं। सप्ताह में आप इसका इस्तेमाल कम से कम 3 बार जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ही ज़्यादा ये असर आपके बालों पर दिखाएगा। इसमें आप चाहें तो नारियल का तेल, जैतून का तेल, या चाहें तो आप सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। आपके बालों को जो भी तेल सूट करता हो आप इसमें 1 चम्मच डाल लीजिएगा। बहुत अच्छा ये वर्क करेगा आपके बालों में। और इसको लगा के आप देखिए, 3 सप्ताह में, 1 सप्ताह में यदि आप 3 बार लगाते हैं ना, तो ही आपके जो डैंड्रफ है बिल्कुल हट जाएंगे। 100% आपसे वादा करती हूँ, आप लगा के ज़रूर से देखिए हमारे कहने पर। बहुत ही ज़्यादा असरदार गुणकारी ये टमाटर के हेयर टॉनिक बना के मैं आपको दिखाई हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ।